जसपुर जिला के तपकरा वन परिक्षेत्र में 3 दिन पहले अपने 10 से भटके नन्हे हाथी की मौत हो गई। 10 के भटके हाथी शावक को वन विभाग ने अपनी देखरेख में रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि नन्हे हाथी शावक की अस्वस्थ होने की वजह से उसकी मौत हुई है। घटनास्थल पर वन विभाग के आला अधिकारी की उपस्थिति में चिकित्सकों के दल ने शावक का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम बाद वन विभाग ने हाथी का अंतिम संस्कार करवा दिया। 3 दिन पहले भटक कर तपकरा वन परिक्षेत्र पहुंचा हुआ था हाथी शावक। तपकरा वन परिक्षेत्र में 10 से बिछड़ कर नन्हा हाथी जसपुर के मृखोल गांव पहुंचा हुआ था। मृखोल उड़ीसा से बिल्कुल लगा हुआ है। वन विभाग के द्वारा शावक की पहरेदारी की जा रही थी, जिसकी आज मौत हो गई। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 3 दिन पहले हाथी का बच्चा पानी में मिला हुआ था, उसे ऑब्जर्वेशन में रखी गई थी। शावक बुरी तरीके से जख्मी था, जबड़े में इन्फेक्शन और कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से वह खान पान नहीं कर पा रहा था। इन्हीं वजह से उसकी मौत हो गई है। वन विभाग ने ओडिशा से भटके नन्हे शावक का इलाज करवाया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग ने मृत हाथी का अंतिम संस्कार करवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हाथी के मौत का असली वजह सामने आ पाएगा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।